थी ना, तो एक संतान पाने के लिए माँ बाप दर दर भटकते हैं, और जब वही कभी पीरों फकीरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हकीमों के पास जाते हैं, और बड़े जतन से एक संतान मिलती है, जब संतान मिलती है तो फूले नहीं समाते, लेकिन जब वही संतान बड़े होकर माँ बाप का सहारा नहीं बनती ना, तो माँ बाप बड़ा रोते हैं और मन से एक ही बात निकलती कि इससे अच्छा तुम बेऔलाद होते। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं भजन उनके लिए, मैंने कहूँगा ताली बजाओ, एक भी ताली मत बजाना, भजन अच्छा लगे तो बाद में प्यारी ताली बजाना उनके लिए जिन्होंने प्यारा भजन लिखा है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आदमी कोई भी व्यक्ति है बाहर की दुनिया से पूरी ताकत लगा दे हराने में, लेकिन कभी नहीं हारता। वो हारता कब है? जब उसके अपने उसे हराते हैं। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद को मारा। बड़ी मेहनत से बड़े जतन से हमें पाला है, हमारे एक एक सपना पूरा किया है। वो बाप अपने सारे ऐसो आराम त्याग देता है जब घर में संतान पैदा हो जाती है। ऐसा बोलते हैं, अच्छा हम लोग कहते हैं ना, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, है ना? ये जीवन का सबसे बड़ा सच है, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। अगर ये सच है तो सच ये भी, अगर माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है तो जितने पिता बैठे हैं ना, उस स्वर्ग का दरवाजा है, और जब तक दरवाजा नहीं खुलता, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, आप अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार माता पिता दोनों के लिए ताली बजाइए। जो माँ बाप अपनी एक औलाद को खुशी देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो औलाद उनको बदले में क्या देती है सिवाय बुराइयां? क्या किया है तुमने हमारे लिए? सुनिए, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाए, जिसको चाहा था उन्होंने, जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारा।
को औलाद ने मारा, जिस बात से बड़ा क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। सोती थी उसे सूखे में सुलाती थी, जिधर करवट लेती थी उधर बेटे को घुमा लेती, बच्चे को घुमा लेती थी, वो सारा एहसान भुला दिया। सुनिए क्या हुआ, खुद सोती माँ गीले में सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से। अब मौज समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप को ठुकरा कर बड़े बड़े तीर्थ धाम जाते हैं ना, घर में माँ बाप परेशान है, आप परिक्रमा लगा रहे हो गोवर्धन की, कोई फायदा नहीं। घर में माँ बाप भूखे हैं, बाहर आप भंडारा लुटा रहे हो, कोई फायदा नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। अरे पहले घर बैठे माँ बाप को खिला दो, सारी दुनिया आपके साथ है। और घर में माँ बाप दुखी हैं और बाहर आप ऐसो आराम कर रहे हैं ना, तो जिंदगी बेकार है, मर जाओ। सुनिए, दुख देते मात पिता को कोई भी सुख ना पाया, इनके चरणों में देखो सुख सारा देख समाया, इनके चरणों में जग का सुख सारा देख समाया, इनकी सेवा कर जीवन, इनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। भजन अच्छा लगा तो एक बार अपने अपने माँ बाप के लिए ताली बजा दो, और एक बार मेरे भाइयों के लिए ताली बजा दो, जितना सुंदर बजा रहे, एक बार मेरे अंकल जी के लिए इतना सुंदर बजा रहे हैं, जोरदार ताली बजा दो, और दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे, अगर बाकी भजन अच्छा लगा है दोनों हाथ उठ गए। उसे वक्त भला क्या मारे, बहुत धन्यवाद आपकी प्यार भरी तालियों की और आई भक्तों में। ओम सागर, फिर एक बार सभी भक्तों से लेता हूं विदा।